नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान 12वीं क्लास के फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति, जिसका फर्स्ट अध्याय है शीत युद्ध का दौर, और ये शीत युद्ध का दौर का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक में जा करके आप इसके पहले भाग को देखिए, उसके बाद ही आप दूसरे भाग को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो अगला बिंदु है वो है शीत युद्ध के दायरे। चलिए इस चीज़ को जानते हैं। शीत युद्ध के दायरे यानी दोस्तों, जो शीत युद्ध का दौर था, ठीक है, ऐसे तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1945 से मानी जाती है, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है, और इसका जो अंत है यानी शीत युद्ध की समाप्ति जो है वो 1991 में मानी नहीं जाती है, जिस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस बीच बहुत से ऐसे युद्ध हुए जो कि रतरंजित युद्ध था, और इसमें बहुत ही जान माल की हानि हुई, लेकिन दोनों ही महाशक्तियाँ जो थी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी इन युद्धों ने दोनों महाशक्तियों के बीच की जो दूरी थी उसे और बढ़ा दिया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थिति थी, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान कई युद्ध हुए, लेकिन यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदली, और ना ही इन युद्धों में परमाणु बम का प्रयोग किया गया, लेकिन इससे ये थोड़ी गलत हो गई है, शीत युद्ध को बढ़ावा मिली। इससे क्या हो गया, शीत युद्ध को बढ़ावा मिली। ऐसी कुछ विकट परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बता दिया, और इसके बाद भी अगर और भी डिटेल में इसके बारे में जानना तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके क्यूबा मिसाइल संकट को देख सकते हैं। दूसरा है कोरिया युद्ध। तो आप लोगों ने कोरिया के बारे में सुना ही होगा, हमेशा युद्ध में हमेशा जो न्यूज़ में कोरिया छाया हुआ रहता है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोरिया युद्ध के बारे में 1950 से 1953। तो कोरिया युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो 25 जून 1950 को हुई थी, ठीक है, जिसमें उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण के साथ हुआ, ठीक है, यानी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। यह शीत युद्ध काल में लड़ा गया सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ उत्तर कोरिया था जिसका समर्थन कम्युनिस्ट सोवियत संघ और साम्यवादी चीन कर रहा था, दूसरी तरफ दक्षिणी कोरिया था जिसका रक्षा अमेरिका कर रहा था। युद्ध अंत में बिना निर्णय ही समाप्त हुआ, परंतु जन क्षति तथा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इससे शीत युद्ध का दायरा भी बढ़ गया था। तो यानी दोस्तों, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की आपसी लड़ाई थी, लेकिन इस युद्ध में भी दोनों महाशक्तियों ने हस्तक्षेप किया था, ठीक है। उत्तरी कोरिया का समर्थन कर रहा था सोवियत संघ और चीन, जबकि जो दक्षिण कोरिया था उसके तरफ से अमेरिका थी, ठीक है, यानी अमेरिका जो है दक्षिण कोरिया को समर्थन दे रहा था। तो दोनों महाशक्तियां इस युद्ध में सम्मिलित थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थी। तो ये था कोरिया युद्ध। चलिए आगे देखते हैं, 1960 में कांगो विवाद, इसको भी जान लेते हैं। 1960 में कांगो बेल्जियम से आज़ाद हुई थी। इसके बाद कांगो की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ के नागरिकों में पूंजीवादी और साम्यवादी आर्थिक प्रणाली को अपनाने को लेकर के विवाद उत्पन्न हुई। कांगो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण एक देश है जहाँ पर यूरेनियम की मात्रा प्रचुरता में पाई जाती है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने कांगो को अपने गुट में शामिल करने के लिए यहाँ के नेता को सलाह तथा सैन्य सहायता दी थी, ठीक है। उसके बाद 1964 में अमेरिका और बेल्जियम ने कांगो के उग्रवादी समूह पर हमला किया और कांगो पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद अमेरिका ने यहाँ के यूरेनियम का प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में करने लगा।
इस कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शत्रुता और गहरी हो गई और शीत युद्ध का दायरा बढ़ गया। तो दोस्तों ये जो कांगो है, ठीक है, ये जब 1960 में जब इसको आज़ादी मिली थी, ठीक है, बेल्जियम से, तब यहाँ पे साम्यवादी और पूंजीवादी को अपनाने को लेकर के यहाँ पे गृह युद्ध चल रही थी, ठीक है, अपने लोगों में यानी नागरिकों में ही, ठीक है। तो यहाँ पर शांत कराने के लिए इस युद्ध, मतलब ये जो गृह युद्ध चल रही थी, विवाद चल रही थी, यहाँ के नेता को सोवियत संघ ने मदद की थी, सैन्य सहायता भी दी थी, और यह सोच करके कि आगे चल करके जो है कांगो जो है वो सोवियत गुट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे जबरन हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया था, और ये तो खनिज संसाधन से परिपूर्ण एक देश है जहाँ पे यूरेनियम की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यूरेनियम जो है इसे परमाणु हथियार बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया था और यूरेनियम का प्रयोग करके अधिक से अधिक परमाणु बम बना रहा था। तो इससे क्या हो गया था कि जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शत्रुता चल रही थी वो और भी गहरी हो गई थी। चलिए जानते हैं बर्लिन विवाद के बारे में, ठीक है, 1958 से 1962 के बीच। तो दोस्तों जो बर्लिन का जो विवाद है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है इसे शॉर्टकट में बताऊंगा। उसके बाद भी अगर आप बर्लिन के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तब जर्मनी के बंटवारे के साथ इसके राजधानी बर्लिन की भी साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच बांटा गया। इस तरह पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का अधिकार हुआ और पश्चिमी बर्लिन पर अमेरिका का अधिकार हुआ। 1961 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने पश्चिमी बर्लिन को दीवार से बंद करने का निर्णय लिया ताकि पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिमी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में ना आ सके। चलिए इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। ये जर्मनी है, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग को याद होगा दोस्तों 1939-1945 तक चली थी, ठीक है, और इसमें धुरी राष्ट्र की हार हुई थी और धुरी राष्ट्र में ही जो था वो बर्लिन जो था, सॉरी जर्मनी जो था वो सम्मिलित था। और अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी से ही हुई थी। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, वो जर्मनी का ही शासक था, ठीक है, और इसी के कारण से जो था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो जिस समय धुरी राष्ट्र की हार हुई और मित्र राष्ट्र की विजय हुई तो मित्र राष्ट्र में चार देश सम्मिलित थे, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। तो युद्ध में जीतने के बाद पूरे जर्मनी को इन लोगों ने आपस में बांट लिया, और इस कारण से जो जर्मनी थी वो दो भागों में बटी, ऐसे चार भागों में ये बटी थी, ठीक है, ये चार भागों में बटी थी बर्लिन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है, इस साइड को लिया और इधर का जो साइड था इधर सोवियत संघ ने ले लिया था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों जो है पूंजीवादी का समर्थक था, इसलिए तीनों ने मिल करके जो जर्मनी है जर्मनी के पश्चिमी साइड को एक देश घोषित कर दिया। उस देश का नाम रखा गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। उसी तरह सोवियत संघ ने भी पूर्वी जो भाग थी जर्मनी का उसे एक देश घोषित कर दिया और उसका नाम रखा गया जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम रखा गया। तो जिस तरह से पूरी जर्मनी का बंटवारा किया गया था, ठीक है, उसी प्रकार बर्लिन का भी बंटवारा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया यहाँ से, और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है बर्लिन। तो जो बर्लिन है वो सोवियत खेमे के अंतर्गत आता है, लेकिन बर्लिन को भी ठीक उसी तरह से बांटा गया जिस तरह से जर्मनी को बांटा गया। बर्लिन जो है जर्मनी का ही राजधानी था और अभी भी राजधानी ही है। और इस तरह से जो पूर्वी बर्लिन थी वो सोवियत खेमे में चली गई और जो पश्चिमी बर्लिन थी वो अमेरिका के खेमे में चली गई। इधर पूंजीवादी देश बना और इधर साम्यवादी देश बना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, जो अमेरिका का क्षेत्र था बर्लिन में
यानी पश्चिमी बर्लिन में। यहाँ के लोग और यहाँ की सेना पूर्वी बर्लिन आया करते थे और आ करके सोवियत संघ के खिलाफ लोगों को भड़काया करते थे। इस कारण से सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन के लोगों को पूर्वी बर्लिन में आने से रोक लगा दी। लेकिन जो पूर्वी बर्लिन के लोग थे वे लोग पश्चिमी बर्लिन जा सकते थे, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग व्यवसाय करते थे और ये लोग व्यवसाय करने के लिए जो है वो पश्चिम बर्लिन जाया करते थे। लेकिन जितने भी लोग जाते थे पश्चिम बर्लिन, वहाँ से कोई भी रिटर्न नहीं आता था, सब वहीं बस जाते थे। और इस तरह से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन का जो पलायन है वो चलता रहा। लगभग 25 लाख लोग इस दौरान पूरब से पश्चिम बर्लिन की ओर पलायन कर चुके थे और यह सोवियत संघ के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। तभी सोवियत संघ ने एक निर्णय लिया कि जो पश्चिम बर्लिन है और जो पूर्वी बर्लिन है दोनों के बीच एक दीवार खड़ा कर दिया जाए। और तब सोवियत संघ के निकिता ख्रुश्चेव ने यहाँ पर एक दीवार इस तरह से खड़ा करवा दी, जिसे बर्लिन का दीवार कहा जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया गया, तो बहुत से लोग फिर भी इसे पार करने की कोशिश करते थे, लेकिन अधिकतर लोग जो है यहाँ पे मार दिए जाते थे। तो इस तरह से बर्लिन का विवाद जो था वो चलता रहा, जो कि 1989 तक चला। उसके बाद इस दीवार को गिरा दिया गया। अगर इस बर्लिन के दीवार के बारे में भी बात करें तो काफ़ी लंबा टॉपिक है। अगर आप इसे और भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। तो शीतयुद्ध के दौरान क्या हुआ था कि दोनों जो महाशक्तियाँ थीं वो परमाणु हथियार के होड़ में लगे थे, और इसी दौरान क्या हुआ कि ये लोग परमाणु हथियार को बनाते बनाते बहुत ही आगे निकल गए। दोनों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार बन के तैयार थे। अब दोनों ही देश ये समझ चुके थे कि अगर गलती से भी दोनों के बीच अगर युद्ध होती है तो दोनों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ पूरे विश्व को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं यह महसूस किया कि इन हथियारों पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। और इस कारण से इन लोगों में बहुत से अहम बैठक हुई। उस बैठक में कुछ संधियों पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है, जिसमें से संधि है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी संधियाँ थी, तो ये आपके पुस्तक के लास्ट पेज में आपको कुछ संधि के बारे में मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लेंगे खुद से तो ये और भी बेटर होगा। वीडियो थोड़ा कम लंबा होगा, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है तो आप ई पाठशाला को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी पुस्तक मिल जाएगी, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। चलिए अगला पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और वो पॉइंट है दो ध्रुवीयता को चुनौती, ठीक है, यानी गुट निरपेक्षता के बारे में हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि शीतयुद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी थी। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट, यानी पूरी दुनिया दो गुट में बंट चुकी थी, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट में सम्मिलित देश पहली दुनिया कहलाएं, ठीक है, जो पश्चिमी गुट में थे यानी जिसका समर्थक अमरीका था वे लोग पहली दुनिया कहलाएं, और जो पूर्वी गुट में सम्मिलित थे, ठीक है, ये लोग दूसरी दुनिया कहलाएं। शीतयुद्ध के दौरान एशिया अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प मिला, और वह थी गुट निरपेक्षता, जिसका अर्थ होता है दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, एशिया में अफ्रीका में और अमेरिका में कुछ ऐसे भी देश थे जो नए नए बने थे, यानी हाल ही में आज़ाद हुए थे, जिसमें से भारत भी एक है। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, ठीक द्वितीय विश्व युद्ध 45 में समाप्त हुआ और दो साल के बाद यानी 47 में भारत को आज़ादी मिली। तो भारत के ही तरह विश्व में और भी बहुत सारे देश थे जिसको आज़ादी मिली। तो इन देशों के पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी,
ठीक है, जैसे भारत के जिस समय भारत आजाद हुई, भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौती थी। भारत एक गरीब देश था, गरीबी को दूर करना था, यहाँ पे भुखमरी छाई हुई थी, यानी उत्पादन भी करना था, प्लस विकास का जो स्तर है बहुत ही गिर चुका था, उसको बढ़ावा देना था, ठीक है, और अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी, इस स्वतंत्रता को भी कायम रखना था। तो ये सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पास ये सब चुनौती थी। तो ये देश जो है नहीं चाहते थे कि दोनों गुट में से, यानी पूर्वी या पश्चिमी गुट, दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो, क्योंकि अगर वो किसी भी गुट में शामिल होता है तो वह अपने देश के प्रति खुद से निर्णय नहीं ले पाएगा, बल्कि इनके उंगलियों के इशारे इनको नाचना पड़ेगा, और इस तरह से ये लोग ज़्यादा दिन स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, यानी फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो इस कारण से इन लोगों ने एक नया विकल्प निकाला, और वो तीसरा विकल्प था जिसका नाम इन लोगों ने गुट निरपेक्षता रखा। यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ ही होता है किसी भी गुट का समर्थन ना करना, किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, ये तीसरा विकल्प था। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश सम्मिलित थे ये लोग तीसरी दुनिया कहलाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकोर्नो, घाना के वामेन क्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेताओं को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है, उसके पांच संस्थापक देश और नेता थे, और यही वो पांच देश और नेता हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में हुआ था, और यह बेलग्रेड में हुआ था। इस सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, दो क्वेश्चन है कि ठीक है कि गुटनिरपेक्षता सम्मेलन जो प्रथम बार कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। यानी 2016 तक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 देश सम्मिलित हो चुके थे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें कुल सदस्यों की संख्या 125 है, जबकि पर्यवेक्षक देश 25 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। गुटनिरपेक्षता का व्यवहारिक अर्थ है अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, तथा अपने देश के विकास के लिए जरूरत पड़ने पर विश्व के सभी देशों से सहयोग प्राप्त करना ही गुटनिरपेक्षता की नीति है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो गुटनिरपेक्षता है इसका अर्थ ये है कि किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, और अगर आवश्यकता पड़े तो सभी गुटों से वो सहयोग लेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वो सोवियत संघ के साथ भी रहेगा, अगर आवश्यकता अमेरिका से लगे तो अमेरिका के साथ भी वो मिल करके काम करेगा, ठीक है, किसी एक गुट में सम्मिलित ना होना, ठीक है, जरूरत पड़े तो दोनों गुट से ये सहायता ले सकता है, साथ ही साथ विश्व के सभी देशों के साथ सहायता ले सकता है, ना कि गुटबाजी करेगा कि अगर मैं सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित हो जाता हूँ तो सिर्फ सोवियत संघ के ही अनुसार चलूँगा, और सोवियत संघ के जो विरोधी जो भी राष्ट्र है उससे कोई भी सहायता नहीं लूँगा। ऐसा गुटनिरपेक्षता में बिल्कुल भी नहीं था। गुटनिरपेक्षता में बस एक ही बात थी कि अपने देश के हित के लिए जिस देश से आवश्यकता पड़ेगी उस देश के साथ वह काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश सम्मिलित थे उसमें से अधिकांश अल्प विकसित देश यानी गरीब देश थे जिनके पास पैसों की बहुत कमी थी। इन देशों को अपने देश के विकास के लिए तथा अपने देश के गरीबी को दूर करने के लिए अमीर देशों पर निर्भर रहना पड़ता। ऐसे में यह देश ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह सकते थे। यानी दोस्तों कि जो भी अल्प विकसित जो भी देश हैं, ठीक है, उन्हें अपने देश के विकास के लिए जो अमीर देश होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता, ठीक है, और अगर कोई भी देश अपने किसी भी कार्य के लिए अगर दूसरे देश पर निर्भर हो
तो वो ज़्यादा दिनों तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इस कारण से भारत और भारत जैसे अन्य जो भी राष्ट्र थे उन्होंने गुटनिरपेक्ष रहने का ही निर्णय लिया, ठीक है, किसी देश पर निर्भर होने का निर्णय नहीं लिया। तो इसी समझ से नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। तो यानी अपने देश के गरीबी को दूर करने के लिए, विकास के लिए, ठीक है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सम्मेलन होती है, ठीक है, व्यापार और विकास को लेकर के जो भी सम्मेलन होती है, उस सम्मेलन में इन नौ स्वतंत्र राष्ट्रों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था, तो टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट जो यहाँ पे बस जो प्रस्तुत की गई थी इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी। तो दोस्तों इसकी जो पहली मुख्य बातें थी वह थी अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं, ठीक है। यानी ये जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र जब आज़ाद हुए थे उससे पहले जिनके अंतर्गत यह गुलाम बनाए गए थे, ठीक है, वह देश इनके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण बना करके रखा था। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय इस बात को रखा गया कि नौ स्वतंत्र राष्ट्र के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर उनका खुद का नियंत्रण होगा, ठीक है, अब उस पर किसी अन्य देश का नियंत्रण नहीं रहेगा। दूसरी थी अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देश के बाजार तक होगी और पश्चिम देश में अपना सामान भी ये लोग बेच सकेंगे, इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा, ठीक है। यानी जो अल्प विकसित जो देश थे, ठीक है, उनकी भी पहुंच जो होगी वो यूरोप कंट्री तक रहेगी, यानी वहाँ पर जो बाज़ार व्यवस्था है वहाँ से ये लोग भी, ठीक है, आयात निर्यात उन लोगों के साथ कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, ये जो व्यापार ये लोग करेंगे अल्प विकसित देश, इससे इन देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा है दोस्तों विदेश से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी का लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों को, ठीक है, अपने देश के विकास के लिए नए नए तकनीक का भी जरूरत पड़ता था, ठीक है, और इन्हें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती थी जिसके लिए इन लोग विदेश बाहर के कई देशों पर निर्भर रहते थे। तो इन लोगों के लिए ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि ये लोग जो बाहर से प्रौद्योगिकी जो लाएंगे, ठीक है, उसका लागत इन लोग को कम पड़ेगा, यानी कम खर्च में ही इन लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। जो चौथा है दोस्तों वो है अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, ठीक है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान होंगे उनमें अल्प विकसित देशों को भी जगह दिया जाएगा नेतृत्व करने के लिए। तो ये सब इनमें बात की गई थी। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों जो ये अगला बिंदु है वह भारत और शीत युद्ध, इस अध्याय का ये अंतिम बिंदु है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि शीत युद्ध में भारत की क्या योगदान रही थी। सबसे प्रथम में तो जो भारत था वो शीत युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका रही थी इसकी, ठीक है। और शीत युद्ध के दौरान भारत जो था स्वयं को महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रखा था। भारत ने नौ स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोका था, ठीक है दोस्तों। कि यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत भी गुटबाजी नहीं किया था, साथ ही साथ जो भी नौ स्वतंत्र राष्ट्र है उनको भी रोक के रखा था कि उन लोगों को भी जो है किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना, बल्कि ये लोग मिल करके एक अलग विकल्प का चयन करेंगे, गुटनिरपेक्षता का चयन करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इस मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। यानी शीत युद्ध के दौरान भारत ने मध्यस्थता का काम किया था, ठीक है। जब भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई अनबन होती थी तो भारत मध्यस्थता का काम करता था, यहाँ पे दोनों को समझाने का काम करता था ताकि इन लोगों की जो भी परेशानी है उसे वो बातचीत से सुलझा ले, दोनों युद्ध ना करें। भारत ने सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल माना। तो दोस्तों भले ही भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में था लेकिन भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ के प्रति ज़्यादा था क्योंकि सोवियत संघ ने बहुत से बुरे परिस्थितियों में भारत का सहयोग किया था, ठीक है। ये सब हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
तो जब भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की, तो बहुत से आलोचकों ने, ठीक है, ये भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत जो है ना गुट निरपेक्षता की आड़ में सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित है, यानी भारत भी गुटबाजी कर रहा है, इस तरह का आरोप उन पे लगा था। दोस्तों, इस तरह से जो आज का वीडियो है ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई टॉपिक इसमें छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर आपको फीडबैक दे सकूँ, या फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं उस पर बना सकूँ। ये एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर कॉपी करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.झारखंडपाठशाला.com में जा करके आंसर को कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड पाठशाला प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा, तो आपको जो हमारा एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।